हम बुरे रात चौधरी, रातों को नींद नहीं आती है। सड़क का कुत्ता भौंक भौंक के हमारा दिमाग खराब कर दिया है। घर का पंखा भी खराब है। मैं चढ़े था, अरे तू खाएगा चढ़े, मैं नीचे चढ़े था बेटा। अरे ये कौन है? मालूम है साहब, मैं कुर्सी पे ऐसे बैठा था, मानो इसी का राज हो। कह रहा था इंस्पेक्टर और डीसीपी को बुला के लाओ। अच्छा माँ कसम साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, है ना है के? नहीं साहब, बात तो बड़े अच्छे से करना था। हम तिवारी, मनोहर तिवारी, इंस्पेक्टर मनोहर तिवारी। ऐसे तो मन्ने तरबूज खाने का बड़ा शौक है। पिछले ही साल मेरा ब्याह भी हुआ था और मेरे ससुराल वालों ने एक ट्रक भर के मेरे पे तरबूज भिजे थे। ओ भाई साहब, तो आप हैं आप इंस्पेक्टर मनोहर तिवारी? आज ही नहीं हूँ, पर आप कौन हैं? बेटा आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? भाग कर आए क्या? नहीं नहीं दरअसल वो आपको दमे की शिकायत है। आप बैठिए, आप बैठिए। वैसे ये दमे की शिकायत पूरे शरीर को हरा देती है। रखा कीजिए। वैसे आप ऐसा कीजिए, मुझसे ही डॉक्टर को बता लीजिए, मेरी सिफारिश में आपसे फीस भी कम लेगा वो। ऐसे लगता तो नहीं आपको देखकर कि आपका इलाज संभव है? इतनी सी बीमारी पर तो इतना बुरा हाल कर रखा है। बीमा बीमा तो करा रखा है ना? मेरे पास कुछ बीमा एजेंट्स के नंबर भी है। आप पानी पीजिए, आप पानी पीजिए। गिरा दिया यार। तिवारी जी, शादी तो हो गई है? हाँ हो गई है। ये कार्ड अपनी पत्नी को दे दीजिएगा। केड़ा कार्ड है? ये लोग शराब चौथे की काफी कम दाम में करा देते हैं। माफ कीजिएगा, मैंने अपना परिचय नहीं दिया आपको। मैं परिचय? मैं हूँ सुंदर त्रिवेदी। कौन त्रिवेदी? जज इंक्वायरी कमीशन से। सर, राज्य सरकार ने मुझे भेजा है उस आतंकवादी के मौत के केस के लिए, समझे? सर सॉरी सर, मैं आपको पहचान ना सका, पर आप तो पहचानने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे? जल्दी? सुनिए, सरकार अपने फायदों के काम के लिए कभी देरी नहीं करती, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया है आपके और उस डीसीपी द्वारा केस की जांच पड़ताल करने के लिए और आप दोनों को बचाने के लिए। सर मैं आपकी पूरी बात समझ ना सका। वो तो आपको देख कर ही लग रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं आया। सरकार नहीं चाहती उसकी बदनामी हो, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया है। जाइए उस डीसीपी को बुला लेंगे। जी सर, आप बैठिए सर। भोरेलाल, ओ भोरेलाल। जी सर। भाई एक काम कर, किसी भी साहब को बुला कर ला। और सुन सुन सुन, कहियो मन्ने बुलाया, काम है अर्जेंट, जल्दी जल्दी जाकर रिकॉर्ड। सर सर आप बैठे सर। तिवारी जी, क्या ये वही खिड़की है जहाँ से वो आपके पति कूद कर मर गया था? सर खिड़की तो वही है, पर सर एक छोटी सी भूल हो गई सर। भूल? कैसी भूल? सर वो जो इस केस के कागज थे ना, हमारे सब इंस्पेक्टर के ऑफिस से चोरी हो गए सर। चोरी हो गए? जी सर, पर वो हम लेबर वाले थे। तिवारी जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास सारी फाइलें तैयार है। आपके पास फाइल सर? जी तिवारी जी, एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, इस केस के बारे में, इस जांच पड़ताल के बारे में आप बाहर किसी से कुछ नहीं कहेंगे, समझे? सर वो ये तिवारी जी, इधर आइए। अरे इधर आइए। शायद आप भूल गए हो कि मैं आपका सीनियर हूँ। आप मेरे नहीं। नहीं नहीं सर। कौन हूँ मैं? सर आप डीसीपी सर? डीसीपी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, विथ यू फॉर यू ऑलवेज। कोई असामाजिक तत्व का एक कहना है कि मेरा कोई मिस रेखा के साथ चक्कर चल रहा है, पर मैं बता दूं कि मेरे कोई मिस रेखा को जानता ही नहीं। कौन हूं मैं? सर आप डीसीपी सर? और आप कौन है? हम इंस्पेक्टर मनोहर तिवारी। इंस्पेक्टर साहब, वाह,
क्यों बुलाया आज मुझे? सर शांत हो जाइए, देखिए तो आया कौन है। ये खिड़की खुली है, दीवारी की खिड़की खुली है, कितनी बार बोला खिड़की बंद होनी चाहिए, फिर से कूद के मर गया तो? सर शांत हो जाइए, करवा दी खिड़की बंद। वाह तिवारी जी, क्या कहना आपका, आज तो आपने कवलदार को हुक्म दे दिया, वाह वंडरफुल। नहीं करते कुछ, कौन है? सर शांत हो जाइए, जज साहब है। सर, आप पहले वहां जाकर बैठिए। जी सर, सर आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी, स्ट्रॉन्ग? चाय भी ला दीजिए। चाय? जी। तिवारी जी, सर के लिए चाय बना लो। जी। सुनो। जी सर। केले ले आना। सर केले? जी हाँ केले, हरे वाले नहीं पीले वाले लाना, भले हुए नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे। सर पूरे लाल, सर पूरे लाल। अरे थोड़ा सा भी लाल है। एक काम कर, साहब आए हैं चाय बनवा देना, और सुन केले लेकर आना, अरे नहीं होने चाहिए पीले वाले, गले नहीं होने छोटे छोटे, जाकर मेरी गुड। सर 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 वो मैंगो शेक बनवा लो, मैंगो शेक। तो डीसीपी साहब, इस केस की सारी फाइलें आपने तैयार की है? जी सर पर्सनली। अच्छा तो फिर शुरू करते हैं। जी सर। इसमें लिखा है कि 18 तारीख के दिन अमरावती बॉम्ब ब्लास्ट के केस में एक आदमी को यहाँ बुलाया गया था, और वो आदमी रेलवे में लाइन मैनेजर की नौकरी करता था। जी सर। अच्छा, और इसमें लिखा है कि आपकी पूछताछ के बाद वो आदमी बड़ा ही चिंतित और परेशान था, और इसी व्याकुलता के दौरे में उसने इस खिड़की, हाँ इस खिड़की से कूद कर अपनी जान दे दी थी। जी सर यही हुआ बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ लिखा गया कि उस दिन वो आतंकवादी यहाँ बैठा हुआ था। जी सर। और आप उस टाइम पे दाखिल होते हैं? यस सर। अच्छा, तो ऐसा करें डीसीपी साहब आप एंट्री लीजिए। सर एंट्री? सर जी डीसीपी साहब आप एंट्री तो लीजिए। सर एंट्री? जी हाँ आप एंट्री तो लीजिए डीसीपी साहब। तिवारी जी आप यहाँ बैठ जाइए, जैसे वो आतंकवादी उस दिन बैठा हुआ था। तो डीसीपी साहब आतंकवादी यहाँ बैठा हुआ है, आप एंट्री लेते हैं और थरथराते हुए कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आप बहुत ही गंदी निगाहों से उसे देख रहे हैं, आपके पेट से वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उन्हें पसीने पहुंच रहा है, और तभी एक भूखे शेर की तरह उस पे कूद पड़ते हैं। आप उसे कहते हैं? आप क्या कहते हैं? जी सर मैं कहता हूँ कि उस ट्रेन में आपने ही बम लगाया था। आतंकवादी कुर्सी पर बैठा हुआ है, डीसीपी साहब आप एंट्री लेते हैं और थरथराते उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आतंकवादी आपके तेज से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, सीने पहुंच रहा है, और तभी एक भूखे शेर की तरह उसमें कूद पड़ते हैं और उसे कहते हैं, सुअर के बच्चे तू तो बोला तेरे लिए सबूत इकट्ठा कर लिए, अब तू नहीं बच पाएगा। अच्छा सर, तो डीसीपी साहब कौन से सबूत इकट्ठे कर रहे थे आपने उसके खिलाफ? अरे सर कभी कभार सर ये कुछ हुआ नहीं के लिए हम आतंकवादी से ऐसे डायलॉग मार लेते हैं सर। इसका मतलब आपके पास कोई सबूत नहीं थे उसके खिलाफ? सर हमारे पास बहुत सबूत थे, जब तो हमने उसे गिरफ्तार करा। जैसे? जैसे सर वो रेलवे लाइन मैनेजर था, तो ये तो जाहिर सी बात है, बम तो उसी ने ही लगाया होगा। वाह तिवारी जी वाह, उसके हिसाब से तो संसद में बम सांसदों ने लगाया होगा, मेरे घर पे बॉम्ब मेरी घरवाली ने लगाया होगा, और पुलिस स्टेशन में बॉम्ब मेरे बुरे लगा लगाया होगा। जी सर आप ना मेरे को तो बोले, मैंने क्या बोला है, जैसा उस दिन था वैसा ही कीजिए, मुझे इस इंक्वायरी में सहयोग कीजिए। चलिए आप इधर आइए। थोड़ी सी भी साहब इसमें लिखा है कि
आपकी पूछताछ से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उस दिन फर्क नहीं पड़ा तो वो आदमी चिंतित नहीं हुआ होगा, चिंतित नहीं हुआ होगा तो आदमी खिड़की से कूदा क्यों? सर शायद उस दिन खिड़की सर खुली रह गई थी सर। सुअर के बच्चे, हमने तेरे सारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया, तेरे खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं। तिवारी जी ये क्या था? सर आपने जो बात उस दिन की तरह करके दिखाई है, तो एंट्री उस दिन ना मैंने ली थी। ओ आई सी, क्या बात है तिवारी जी, क्या एंट्री लेते हो आप? चलिए कुछ उठा के ना रखिए। मुझे सब समझ आ चुका है तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी शिकायत करूंगा, चक्की पीसोगे तुम दोनों चक्की। अच्छा सर मुझे याद आया, सर मैं आपको पूरा कंप्लीटली अच्छे में बताता हूँ। इस बार सच पक्का? सर पक्का। चलिए सर उस दिन ना सर क्या हुआ, सर उस दिन क्या होता है सर? ये तो होना ही था जब आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे होते हो तो वो मुर्दे नहीं रहते, वो पुराने पाप बनकर सामने आ जाते हैं। देखिए ना, देखिए उस दिन, अरे उस दिन यही तो हुआ था, यही बेरहमी, यही बड़बड़ा। कौन कहता है कानून के हाथ लंबे होते हैं? अजी कौन कहता है कानून के हाथ लंबे होते हैं? अगर लंबे होते तो हमारा घर का पंखा नहीं ठीक कर दिया होता। जी सर बताओ पहले, इसको उस दिन जरा खिड़की से फेंके या गरम गरम कड़क का चाय पी ले? सर पहले तो मैं कहता हूँ चाय पी लो। सर बुरीलाल चाय।